अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज, जहाँ पर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रॉपर नाउन ख़त्म हो गया है और अब हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो आएँ मिलके अपनी बुक्स खोल लेते हैं। ये हमारी बुक की एक्सरसाइजेज हैं और ये एक्सरसाइज आपके बुक के पेज नंबर 19 यानी 19 पर है। अब स्टूडेंट्स, इसकी पहली एक्सरसाइज क्या कहती है? अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन ये आपको दर्जल सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सब में प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करें। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले सेंटेंस में प्रॉपर नाउन अंडरलाइन करके बता देता हूँ। जुलाई इज़ ऑफन द हॉटेस्ट मंथ इन समर। जुलाई, इसमें एक प्रॉपर नाउन है, यानी इसे आपने क्या करना है, अंडरलाइन। ये मंथ ऑफ द ईयर है, इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन समर। वन डे अली बाबा सॉ द 40 थीव्स हाइडिंग इन द केव। ये बहुत आसान, प्रॉपर नाउन को पहचानना कैसे, ये मैं आपको रूल इधर बता देता हूँ कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के जब बीच में आता है तो उसके फर्स्ट दोनों लेटर्स कैपिटल होते हैं। वन डे अली बाबा सॉ द 40 थीव्स हाइडिंग इन द केव। एक दिन अली बाबा ने 40 चोरों को गार में छुपते देखा। शॉन एंड एशले आर गोइंग टू बीच फॉर अ स्विम। शॉन और एशले साहिल के किनारे तैराकी करने जा रहे हैं। मिस्टर ली इज़ रीडिंग अ बुक। मिस्टर ली किताब पढ़ रहे हैं। आई एम योर फेरी गॉड मदर। मैं तुम्हारी परी दोस्त हूँ। सेड द ओल्ड वुमन टू सिंड्रेला। बूढ़ी औरत ने सिंड्रेला को बोला। अंकल माइक इज़ अ लॉयर। अंकल माइक एक वकील हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। अगले मंगल को पब्लिक हॉलीडे है, यानी जो आम लोगों का आवामी छुट्टी है। मैंने चिल्ड्रन इन्जॉयड द मूवी लायन किंग। कई बच्चों ने लायन किंग मूवी का लुत्फ उठाया। एक्सरसाइज टू, लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं। विच वंस आर कॉमन नाउन्स एंड विच वंस आर प्रॉपर नाउन। अब देखे, दोनों का क्वेश्चन आ गया, कौन से प्रॉपर नाउन हैं और कौन से कॉमन नाउन। पुट ईच वर्ड अंडर इट्स करेक्ट हेडिंग। हर लफ्ज को उसके सही जगह में रखें। बहुत आसान स्टूडेंट्स। रीसा क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन। बाद में लीसा, सॉरी, प्रॉपर नाउन स्टूडेंट्स। ये एक नेम है, एक लड़की का नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन। बैंक कॉमन नाउन। अब स्टूडेंट्स, आपको मैं कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पहचानने की एक और तरीका, वही तरीका, रूल। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। लीसा प्रॉपर नाउन, बैंक फर्स्ट वर्ड स्मॉल, और साथ में ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बैंक कितने ज़्यादा होते हैं एक शहर में, कितने ज़्यादा हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन। प्रेसिडेंट होटल, आपको पता होना चाहिए क्या है। यूनाइटेड बैंक जनवरी। बीच यानी साहिल का किनारा। वाइट सैंड बीच यानी समुंदर का नाम, जैसे कराची का समुंदर है, उसका दो तीन नाम है, दो तीन जगह प्लेसेज हैं। एक का नाम सी व्यू, एक का कुछ जिधर लोग खाना खाते हैं, एक में झूले लगे हुए हैं, घास भी है उधर। बाद में होटल। डॉक्टर मंथ, डॉक्टर वैंग और गर्ल। अब इसमें स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कितने कॉमन नाउन हैं और कितने प्रॉपर नाउन हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स 6 प्रॉपर नाउन है, 1 2 3 4 5 6, जी बिल्कुल 6 की जगह दी गई है और 6 ही इसमें मेरे ख्याल से कॉमन नाउन है। अब स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं और नेक्स्ट पेज में भी 2 एक्सरसाइजेज हैं और अब हम इन एक्सरसाइजेज को पढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ इन्हें कैसे सॉल्व करना है। राइट सी फॉर कॉमन और पी फॉर प्रॉपर नाउन ऑन द ब्लैंक बिफोर ईच नाउन। सी कॉमन नाउन और प्री प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल करें नीचे दी गई जगह में। द वाइट हाउस, ये क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? पहले दो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। W और H कैपिटल हैं और साथ में ये वाइट हाउस, वाइट हाउस अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए होते हैं। अब ये वाइट हाउस एक क्या हुआ, फिर प्रॉपर नाउन पी आ जाएगा। द ग्रीन ड्रेस यानी हरी पोशाक, सब्ज पोशाक। अब इसमें सी आ जाएगा क्योंकि ग्रीन ड्रेस हज़ारों करोड़ों जितनी भी आबादी है उतनी हो, उससे भी ज़्यादा होंगी, इधर सी आ गया। द टॉल बिल्डिंग, लंबी इमारत।
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग स्टूडेंट्स ये भी अमेरिका की है। द येलो रिवर, द मडी वाटर यानी कीचड़ वाला, द मडी रिवर यानी दलदल जिसे कहते हैं। द गवर्नर, गवर्नर पार्कर, द गवर्नर यानी वजीर, गवर्नर पार्कर गवर्नर का नाम है। द ओरेगन ट्रायल, द विंडिंग ट्रेल। अंडरलाइन एक्सरसाइज 4, अंडरलाइन द नाउन्स दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड। उन नाउन्स को अंडरलाइन करें जिन्हें कैपिटल होना चाहिए। सर्कल द नाउन दैट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन रोड ट्राइजर आइलैंड। अब स्टूडेंट्स इसमें रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, इसमें एल जो है वो कैपिटल होना चाहिए, लुइस नाम है। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन रोड ट्राइजर आइलैंड। द कैपिटल ऑफ एलियंस इस स्प्रिंगफील्ड। अब स्टूडेंट्स दूसरा भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। कैपिटल सी छोटा होना चाहिए था इसका, क्योंकि ये हाल ही कैपिटल है, हर मुल्क का एक कैपिटल होता है, इसलिए ये छोटा होना चाहिए था। एलियंस, एलियंस एक मुल्क का नाम है, इसलिए आई इसका बड़ा होना चाहिए था। और स्प्रिंगफील्ड ठीक है, अब बाद में आगे आपने खुद करना। माई फ्रेंड्स एंड आई प्रेफर ग्लिटर गम्स टूथपेस्ट। मेरे दोस्त और मैं ग्लिटर गम टूथपेस्ट प्रेफर करते हैं, यानी हम कहते हैं कि ये इस्तेमाल करें। देयर फैमिली विजिटेड येलोस्टोन नेशनल पार्क। उनकी फैमिली येलोस्टोन नेशनल पार्क में गई, ये अमेरिका में और बहुत मशहूर पार्क है नेशनल उनका, और ये वाइल्ड लाइफ पार्क है। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने खुद बताना है कि क्या अंडरलाइन आपने करना है। अंडरलाइन वो करेंगे जो कैपिटल होना चाहिए, और सर्कल उसे करेंगे जो कैपिटल नहीं होना चाहिए। जोएन एंड मारिया दोनों नाम है। अटेंडेड कैनेडी मिडिल स्कूल, कैनेडी मिडिल स्कूल भी एक स्कूल का नाम है, कैनेडी मिडिल स्कूल का हिस्सा है। वी हैड ए सरप्राइज पार्टी फॉर आर आंट हेलन। हमने अपनी आंट हेलन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी। स्प्रिंग एंड फॉल आर माई फेवरेट सीजन्स। स्प्रिंग और फॉल मेरे फेवरेट सीजन हैं, यानी पसंदीदा मौसम है। द मैनेजर स्कोल्डेड हिज लेजी एम्प्लॉयज। मैनेजर ने अपने आलसी काम करने वालों को डांटा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी प्रॉपर नाउन की एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई और हमारा प्रॉपर नाउन पूरा हो गया। फ़िलहाल आप इसको सॉल्व करें, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।